नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल सकती है बड़ी सौगात। कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ाने का किया जा सकता है ऐलान। देश आज पार कर सकता है 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा। सरकार ने की जश्न मनाने की तैयारी। नोएडा में धार्मिक जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले 3 शख्स गिरफ्तार। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ट्रुथ सोशल के नाम से लॉन्च करेंगे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के दरवाजे खोल सकता है भारत। तालिबान के साथ मॉस्को की बैठक में दिए संकेत। ब्राजील में सीनेट रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से हुए मौतों को लेकर राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर चला हत्या का मुकदमा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई 1 करोड़ की पेनाल्टी। वेस्टर्न यूनियन पर भी लगा नियम नहीं मानने का जुर्माना। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने शुरू की ट्रेनिंग, बोले पहले जैसी भूख और इच्छा के साथ लौटा हूं। आर्यन खान के सपोर्ट में उतरी काम्या पंजाबी। एसआरके की बेटे की जमानत खारिज होने पर एक्ट्रेस ट्वीट कर बोली, यह हरासमेंट है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।